सभी सुधी जनों को मेरा सादर नमस्कार। मंच पर उपस्थित विद्वत वृंद को सादर नमन। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि यह संगोष्ठी दो दिन से चल रही है और कल की सूची में भी जिन विद्वानों के नाम थे और आज की सूची में जिन विद्वानों ने बोला है, काफ़ी देर से मैं भी यहाँ थी, लगभग दो घंटे से सुन रही थी। मुझे नहीं लगता है कि काशी के विषय में कोई भी पक्ष अछूता रह गया है। और फिर भी काशी इतनी है कि जैसे अत्यतिष्ठ दशांगुलम वाली स्थिति है कि सब कुछ कह देने के बाद भी कुछ न कुछ शेष बच जाता है। और एक बड़े पावन से समय में, जबकि अभी अभी 13 तारीख को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है और जिसके क्रम में लगभग एक महीने से हम लोग विविध प्रतियोगिताओं का, कार्यक्रमों का आयोजन करते चले आ रहे हैं, उसी क्रम में इस संगोष्ठी का भी आज आयोजन है। तो इस सुखद पल में एक हिस्सा बनने का मौका मुझे दिया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से, वैदिक विज्ञान केंद्र की तरफ से। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। विश्वेश्वरस्य देवस्य काशीनां महापुरी यत्र पापी मृतः सद्यः परम मोक्षम प्रयाति। शुक्ल पक्षे यथा चंद्रः कलया कलये धते एवं काश्याम निवसताम धर्मराशि पदे पदे। काशी प्राप्तिर्दम योगः काशी प्राप्तिर्दम तपः काशी प्राप्तिर्दम दानम काशी प्राप्ति शिवैकता। और इन्हीं तीन श्लोक में काशी का जो पौराणिक स्वरूप है वो पूरा का पूरा इस तीन श्लोक में ही मेरे हिसाब से आ जाता है, क्योंकि काशी दान की नगरी है, काशी योग की नगरी है, काशी तप की नगरी है, काशी धर्म की नगरी है और काशी मोक्ष की नगरी है। और इस सारी चीजों में जिनके अभी मैंने नाम लिए, दान, धर्म, योग, तप, मोक्ष, इसमें ही मनुष्य जीवन का सर्वस्व छुपा हुआ है, सब कल्याण इसी में छुपा है। और शिव कल्याण के देवता हैं और कल्याण के ओर बढ़ने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहुंचने तक ये धर्म, तप, योग एक सीढ़ी के रूप में काम करते हैं और उस मोक्ष तक पहुंचाने की यह नगरी काशी है, इसलिए इसको मोक्षदायिनी काशी कहते हैं। ये पुराणों की ही विशेषता है कि छोटे से, और संस्कृत भाषा की विशेषता है कि तीन श्लोक में वो सारी बात कह दी गई जिसको कहने के लिए शायद कई पृष्ठों की आवश्यकता होती। किसी और भाषा में लिखा जाता तो कई पृष्ठों में इसे लिखने की आवश्यकता होती। काशी पौराणिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, ये हम सब जानते हैं और इस पर अभी चर्चाएं भी हुई। हमारे इतिहासविद सुमन जैन मैडम, प्रोफेसर सुमन जैन जी बैठी हुई हैं, इतिहास के पक्ष पर भी बात करेंगी। लेकिन मैं अगर काशी की इतिहास के विषय में बात रखना चाहूँ तो मैं काशी के लिए किसी डेट को नहीं मानती हूँ और यह मानती हूँ कि न यदा भूमि वलयम न यदा अपाम समुद्भव तदा विहर्तुमीशेन क्षेत्रम एतद् विनिर्मितम। जिस समय संसार में कुछ भी नहीं था तब काशी में शिव ने अपने विहार के लिए इस काशी क्षेत्र का निर्माण किया। और शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो जिनका कोई अपना लोक नहीं है, वो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, प्रकृति के साथ रमते हैं और मनुष्य से लेके पशु पक्षी तक
सब उनके अपने हैं और वो सबको अपना मानते हैं, इसलिए किसी लोक में न रह करके वो इस लोक में हमारे साथ यहाँ काशी में निवास करते हैं और कहते हैं कि यहाँ का जो कंकड़ है वो कंकड़ भी शंकर है। इस अवधारणा को हम काशी के लोगों की बोलचाल की भाषा में भी देखेंगे तो हम पाते हैं कि काशी में कोई भी किसी को अपने से छोटा नहीं आंकता है। कोई भी किसी से बात करता है तो कहता है का गुरु का हालचाल हो, तो सभी गुरु बा, हर आदमी गुरु है। इसलिए ये काशी का ही वैभव है जहाँ एक समता का भाव है। आप किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी को के अनुयायी हों, आप वैष्णव हों, आप शैव हों, आप शाक्त हों, आप गांडपत संप्रदाय को मानने वाले हों, आप तांत्रिक संप्रदाय के अनुयायी हों, लेकिन आप यहाँ सब आपस में एक दूसरे के लिए क्या हैं, गुरु हैं। अमीर और भेद गरीब का भेदभाव मैंने तो अपने जीवन में इतने वर्षों में कभी नहीं देखा। विद्वान और छोटे का भी भेदभाव नहीं देखा। ये जो परंपरा है वो काशी की परंपरा है और यही भारतवर्ष की पौराणिक परंपरा है जहाँ पर सबको बांध कर चलने की परंपरा है। काशी को जैसा कि हम जानते हैं कि प्रलय काल में भी काशी को शिव नहीं छोड़ते हैं और वो यहाँ ही निवास करते हैं। एक कथा जो स्कंद पुराण के काशीखंड में मिलती है, उस कथा के अनुसार एक बार शिव को काशी छोड़ना पड़ा ब्रह्मा जी के अनुरोध पर। और उस समय रिपुंजय नाम के एक राजा जो दिवोदास के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए और उनके ऊपर काशी का भार सौंप करके शिव को यहाँ से जाना पड़ा। पर उस गमन में भी शिव ने लिंग रूप में अपने आप को यहाँ स्थापित किया और वही लिंग अभिमुक्तेश्वर के नाम से जाना जाता है। न विमुक्तम शिवेन इति अभिमुक्त क्षेत्रम काशी। और ये काशी उसी अभिमुक्त क्षेत्र जो इसका नाम कहा जाता है, जैसा कि सदाशिव जी भी बता रहे थे कि अभिमुक्त क्षेत्र से कहा जाता है, तो यह अभिमुक्त क्षेत्र जो नाम पड़ा वो इसीलिए पड़ा कि शिव कहीं भी हों लेकिन वह काशी को बिल्कुल नहीं त्यागते हैं। ये काशी वालों का सौभाग्य है कि हम सब के लिए हमारे देवाधिदेव स्वयं हमारे साथ रहते हैं। जब वो यहाँ से गए और उनको यहाँ लौटना पड़ा, ये काशी की मैं पौराणिक संरचना की बात कर रही हूँ, जब उनको यहाँ लौटना पड़ा तो उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि दिवोदास पर एक अच्छा सा नाटक या कुछ कथा भी लिखी जा सकती है देवदास के कैरेक्टर पर, क्योंकि वो एक ऐसे राजा के रूप में हमें पुराण में मिलता है जो बहुत अच्छे से अपना शासन चला रहा है और शिव को भी काशी में पुनरागमन के लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं मिल रहा है कि वो काशी में फिर से आकर के स्थापित हो सके। तब वो योगिनियों को यहाँ भेजते हैं और योगिनियाँ अपनी माया से उनसे कहते हैं कि तुम अपनी माया से देवदास को दिग्भ्रमित करो और मेरा पुनर्स्थापन काशी में हो। परंतु वो योगिनियाँ यहाँ आकर खुद ही दिग्भ्रमित हो जाती हैं देवदास का वैभव देख करके, और जब वो अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर पाती हैं तो वो यहाँ पर एक 64 योगिनी मंदिर है, वहाँ पर वो 64 योगिनियाँ एक रूप में समाहित होकर के वो 64 देवी के मंदिर के रूप में स्थापित हुई। उसके बाद सूर्य को अपने इस कार्य में शिव ने संलग्न किया और उनसे कहा कि तुम जाकर के अपने प्रताप से कुछ ऐसा करो कि मैं पुनः काशी में, देवदास वहां से उच्चाटित होकर चला जाए और मैं पुनः काशी में स्थापित हो सकूं। सूर्य भी आते हैं, बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो द्वादश आदित्य के रूप में यहाँ अपने द्वादश मंदिरों के रूप में काशी में स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद गणों को भेजते हैं, गण भी असफल होते हैं। फिर गणेश को भेजते हैं, गणेश अपना प्रयास कर रहे होते हैं परंतु बहुत विलंब होने के कारण भगवान का मन घबरा रहा है काशी के बिना, तो वो विष्णु को लगाते हैं इस कार्य में। और फिर विष्णु जब आते हैं तो वो अपना पहले बार अपना चरण धोते हैं, वो पादोदक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आपने अभी पादोदक तीर्थ की भी चर्चा की थी, वो पादोदक तीर्थ के नाम से जाना जाता है क्योंकि आदि केशव का मंदिर वहां पे बना है और वहां भगवान विष्णु ने कहा जाता है कि पहले बार अपने चरण का प्रक्षालन किया था। वहां से वो आते हैं, फिर गणेश और विष्णु की मंत्रणा से, लंबी कथा है शॉर्ट कर रही हूँ, मंत्रणा के बाद देवदास यहाँ से उच्चाटित होते हैं और शिव पुनः स्थापित होते हैं। और 7 चक्र, राणा पीपी सिंह सर जानते हैं कि 7 घेरे बने हुए हैं और उन 7 घेरों के बीच में बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर है और उन घेरे में
गणेश स्थापित हैं जो संभवतः उनकी रक्षा कर रहे हैं। इस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यह पौराणिक संरचना है काशी की। मंदिर जैसा हम सब इतने वर्षों से देखते चले आ रहे थे, ये छोटा सा मंदिर तो था नहीं। मंदिर बहुत विशाल प्रांगण का था। इसके गर्भगृह, इसका नाम ही था मोक्ष लक्ष्मी विलास मंदिर, और इसमें 5 मंडप थे, आपने चर्चा की थी। और उस तरह के विशाल प्रांगण का मंदिर, जैसे कि मैं क्षमा मांग के कह रही हूँ, अगर कोई यहाँ पर साउथ इंडियन बैठा होगा तो मुझे माफ करेगा, यहाँ क्या मंदिर है, यहाँ तो जो है वहाँ हमारे साउथ में इतने बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी उतना बड़ा ही मंदिर था। और मंदिर साधना की स्थली होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने की स्थली होती है, आध्यात्मिक उन्नयन की किसका स्थान होता है, न कि उसके बड़े या छोटे होने से कोई फर्क पड़ता है। आप वहां से कितनी एनर्जी गेन कर पा रहे हैं, आप कितनी श्रद्धा से वहां जाते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। पर आज मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस मंदिर को पुनः अपना एक स्वरूप देने का प्रयास किया है। और जब भी हम कोई प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ कुछ गलत भी हो जाता है, कुछ कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, विद्वानों की राय कहीं किसी जगह से अलग भी हो सकती है, शायद मेरी खुद की भी हो। मैं भी अभी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मंदिर जब पूरा हो जाए तो उस पौराणिक अध्ययन के आधार पर फिर जाके एक बार देखूं कि क्या सारी चीजें उसी तरह से हैं। अगर नहीं होंगी तो शायद एक बार प्रयास अवश्य करूंगी कि वो सारी पौराणिक चीजें, पौराणिक मंदिर जहाँ जिस स्थान पे थे वहां स्थापित हो सके। लेकिन फिर भी फिलहाल ये हमारे लिए सर फक्र से ऊपर उठाने की बात है जिस तरह से इस मंदिर प्रांगण का निर्माण हुआ है। आप सब, हम सब साथ। और ये काशी अविनाशी तो है ही, काशी के अनेक नाम भी हैं। काशी महाश्मशान है, काशी रुद्रावास है, काशी अविमुक्त क्षेत्र है, और काशी जो सबसे बड़ी चीज है, आनंद कानन है। आपको जल्दी यहाँ कोई दुखी नहीं दिखता होगा। किसी का बिजनेस में नुकसान हो गया, जायदा मालिक हो गया, कोई बात नहीं, हो गया जायदा, अरे ये नहीं मिला आपको, प्रोफेसरशिप नहीं मिली, अरे छोड़ा जायदा खाए के मिला था ना। एक केवट रहता है 80 घाट पर, और आप उससे सुनेंगे, वो इतना सुमधुर गीत गाता है और बिल्कुल क्लासिकल। उससे किसी ने इंटरव्यू लेकर के पूछा और कहा कि आपकी आवाज इतनी अच्छी है तो आपने कभी ट्राई नहीं किया? तो उसने कहा कि नहीं, ट्राई करने की तो कोई जरूरत नहीं है, शिव को सुनाना है, शिव सुन रहे हैं, गंगा को सुनाना है, गंगा सुन रही है। ये जो संतुष्टि का भाव है ये काशी में है। उसने कहा कि लेकिन आपने रिकॉर्डिंग नहीं की है, आपकी आवाज दुनिया में नहीं रहेगी, आप चले जाएंगे, आपकी आवाज नहीं रहेगी। उसने कहा हमारी आवाज रहेगी, आप आइएगा और गंगा में नाव से घूमिएगा, मेरी आवाज आपको यहाँ सुनाई देगी। ये कॉन्फिडेंस है काशी का, ये काशी की धुरी है। यहाँ का बंदा अपनी जगह से हिलता नहीं है। ये जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं, राणा पीवी सिंह सर है, सदाशिव जी हैं, उपेंद्र जी हैं, विदेश की यात्राएं करके आए होंगे, इनसे पूछ के देखिए क्या विदेश में रहने का मन किया था क्या सर? सर विदेश में रुकने का मन किया था? आप सबसे पूछ रही हो सर, जोर से बताएं, क्या विदेश में रहने का मन किया था? यही होता तो लौट के क्यों आते? लौट के क्यों आते? मैंने भी पूरा यूरोप घूमा, लेकिन हर दिन बाबा विश्वनाथ की तरह मन बेचैन था कि अपनी काशी लौट चलना चाहिए। उपेंद्र जी तो बहुत दुखी होकर के लौटे होंगे, जितना पूजा पाठ इनका चलता रहता है। तो ये काशी है जो आकर्षित करती है। काशी ने आकर्षित किया अहल्या बाई को, काशी ने आकर्षित किया हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, प्रयाग से खींच करके ले आई। हमारे शुक्ला सर शायद नहीं है, वो कह रहे थे कि काशी में सब बाहर से लोग आए हैं, काशी में आकर्षण है, चुंबकत्व है, खींच कर ले आती है। आप वहीं रहेंगे, यदि कुछ कर जाना है, अगर तुम्हें कुछ रचना है तो तुमको भी आना ही होगा। मेरी काशी, मेरी काशी, और मेरी काशी में आपको आना होगा। काशी का विकल्प आप ढूंढ नहीं सकते हैं। धर्म की नगरी थी, कहानियां हमने विडोज की सुनी है कि बंगाली फैमिलीज में जो विडोज होती थी उनको यहाँ पर रख दिया जाता था, तो वो कोई परित्यक्ता के रूप में उनको नहीं रख दिया जाता था। इसलिए रख दिया जाता था कि जो उस समय का परिवेश था उसमें जिस तरह का उनको बिना मांस का भोजन करना है, जिस तरह का जीवन जीना है, वो काशी में ज्यादा आसान और सुलभ होता, इसलिए काशी में उनका निवास बनाया जाता था। और काशी में ये माना जाता था कि यहाँ निवास मात्र से
यहाँ किसी भी तरह से आपका संपर्क हो जाने से आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इस कामना से यहाँ पर सभी लोग आए, बहुत से दिक्पालों ने, ग्रहों ने, सप्तर्षियों ने, गणों ने और बहुत अन्य प्रकीर्ण लिंग शिवलिंग यहाँ पाए जाते हैं। सदाशिव जी उल्लेख कर रहे थे, मैं उनका समर्थन करती हूँ। और काशी भरी पड़ी है शिवलिंगों से, मंदिरों से। एक एक मंदिर पर सर जानते हैं कि राणा बीबी सिंह सर बैठे हुए हैं कि रिसर्च किया जाए तो एक एक मंदिर की अद्भुत कहानी निकलेगी, अद्भुत बातें निकलेंगी। ये एक ऐसा अनोखा शहर है जिसको पौराणिक स्वरूप देने के लिए यहाँ पर यात्राओं का विधान किया गया। और ये यात्राएं जो हैं वो प्रतिदिन की जाती थी, जिसमें एक चतुर्दशायतन यात्रा थी, एकादशायतन यात्रा थी, अष्टायतन यात्रा थी। तो जो जिसके पास जैसी सुविधा है, 8 मंदिर का दर्शन कीजिए, 11 मंदिर का दर्शन कीजिए, 24 मंदिर का दर्शन कीजिए। और ये जो मंदिर बने हुए हैं ये भी एक तरीके से बने हुए हैं, जैसे चतुर्दशायतन यात्रा का जो पहला मंदिर है वो ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर महादेव जो छित्तनपुरा मोहल्ले में है। और वहां से लेकर के जो अंतिम चतुर्दशायतन यात्रा का अंतिम मंदिर है वो केदार जी में है, केदारेश्वर महादेव। तो वहां से लेकर के यहाँ तक काशी का एक स्वरूप भी निर्धारित हो गया कि काशी कहाँ तक है, वर्णा असी तयोर मध्य, वर्णा और असी के बीच में ही ये सारे मंदिर कर दिए गए। और ओंकारेश्वर उस चतुर्दशायतन यात्रा का पहला मंदिर है और केदारेश्वर अंतिम मंदिर है। तो इस तरह से पुराण ने इस पूरे काशी को बांध करके रखा है, एक स्वरूप दे करके रखा है। और बहुत सी ऐसी कथाएं हमें मिलती हैं पुराणों में जो ये कहती हैं कि यदि आपके मृत्यु किसी अन्य स्थान में भी हुई, जैसे कि एक वाहिक नामक व्यक्ति की कथा मिलती है ब्राह्मण की, उसकी मृत्यु जो है जंगल में बाघ के आक्रमण से होती है और उसकी हड्डियां वहां पड़ी हुई है। एक गिद्ध हड्डी को लेकर के वहां से चलता है, रास्ते में एक दूसरा गिद्ध उसके साथ युद्ध करता है और हड्डी उसकी छूट करके गंगा में गिर जाती है काशी में, और उसकी मुक्ति वहां से हो जाती है। तो ये जो मुक्ति का क्रम है काशी में ये अद्भुत है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये शाम क्वापि गते नास्ति तेषां वाराणसी।